हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस का पहले चैप्टर के बारे में। होम साइंस पर बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपको होम साइंस की वीडियोस चाहिए, तो हम होम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे कि एक एक चैप्टर क्या है, क्या उस चैप्टर के बारे में पूरी थ्योरी समझाएंगे, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारा कुछ कवर करवाया जाएगा। तो आप पूरी तरह से डिपेंडेंट रह सकते हैं इस चैनल पर अगर आपको होम साइंस जानना है तो। और भी बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, 100 वीडियोस बीएस रिलेटेड अपलोडेड है। तो अगर आप बीए में हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू, तो जरूर इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। तो आइए आज का चैप्टर हम शुरुआत करते हैं, आज का जो हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर वन का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है गृह विज्ञान के निर्धारक तत्व। वो कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं जो गृह विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, इन्हीं चीजों पर आज हमें बात करनी है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो गृह विज्ञान के निर्धारण के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली बात कि हमें जानना होगा कि गृह प्रबंध क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है निर्धारक तत्व, गृह प्रबंध क्या है। सबसे पहले जानना होगा कि गृह प्रबंध क्या है। तो गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आप देख रहे हैं गृह और प्रबंध दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, गृह है और दूसरा क्या है, प्रबंध। तो गृह और प्रबंध का अपना अपना एक अर्थ है। गृह का अर्थ होता है क्या, घर, जिसको हम कहते हैं होम, एंड प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। इन दोनों वर्ड से मिलकर के गृह प्रबंध बना हुआ है, जिसका अगर हम एक साथ अर्थ लेते हैं तो ऐसा होता है क्या कि घर की व्यवस्था करना, घर पे व्यवस्था स्थापित करना, किस तरह से डील करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये कहलाता है आपका गृह प्रबंध या होम साइंस, जिसको आप बोल सकते हो, या घर की व्यवस्था करना। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ विद्वानों के विचार जानते हैं कि इस पर कुछ विद्वान अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ परिभाषाएं लिखनी होंगी। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले आप खुद की स्टेटमेंट लिखेंगे या उस चीज के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे, और उसके बाद कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है ग्रास योम क्रेंडेल के अनुसार, इन्होंने गृह व्यवस्था या गृह विज्ञान पर क्या कहा है, गृह प्रबंध क्या है वो देखते हैं। ये कहते हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है, वही कहलाता है आपका गृहबंध, की कैसे मैनेज किया जाए, कि सारा कुछ आयोजन किया जाए, सारा कुछ नियंत्रण रखा जाए, सब चीज का मूल्यांकन किया जाए, और परिवार का जो एक लक्ष्य है कि किस तरह से मैनेज किया जाए, वो एक मानसिक प्रक्रिया है कि आप किस तरह से करते हो, कि हर कोई अलग अलग तरीके से उसी चीज को, सेम चीज को मैनेज करता है। तो मैनेज करने का तरीका ही क्या कहलाता है आपका, गृह प्रबंध। इसी पर अपना विचार रखते हुए दूसरे विद्वान हैं, सॉरी, इन्होंने ही अपने विचार रखे थे। अब आइए उसके उत्प्रेरक तत्वों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से गृह व्यवस्था के तत्व हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो हमारा घर, हमारा गृह अच्छे तरीके से, शांति से, एक व्यवस्थित ढंग से चल पाएगा। वो कौन कौन से तत्व हैं, इसमें तीन तत्व आपके सामने दिख रहे हैं एज यू सीइंग इन द फिगर, कि सबसे पहली चीज है आपका मूल्य, उसके बाद आता है आपका लक्ष्य, एंड थर्ड नंबर पर है आपका स्तर। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये तीन चीजें हैं गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व या निर्धारक तत्व। आपसे क्वेश्चंस में यही पूछता है, और मैंने इससे पहले इसका जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं मैं ऑलरेडी उसको लाइव में करवाता हूं आपको, डेली 8 बजे आप लाइव में मुझे कैच कर सकते हैं, आप लाइव में अटेंड कर सकते हैं 8 बजे। तो उसमें मैं ये करवा रहा था, तो बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि यह क्या है। तो मैंने कहा था कि अगर मैं थ्योरी जब स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत कुछ क्लियरली समझ में आएगा, तो अगर आपने अभी तक लाइव अटेंड नहीं किया तो जाकर के डेली 8 बजे लाइव का है, आप अटेंड कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें क्या है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन चीजों को आपने समझ लिया तो आप गृह प्रबंध के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, मूल्य। मूल्य क्या होता है, अगर हम आमतौर पर बात करें तो दैनिक जीवन में हम सभी अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य की बातें करते हैं, कि ये आपके मूल्य हैं, ये आपके वैल्यूज हैं, ये आपके कल्चर हैं, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी वैल्यू है, इसे समझते भी हैं। लेकिन अगर हमें इसे स्पष्ट करना हो कि ये बेसिकली क्या है, या इसको परिभाषित करना हो कि ये यही चीज है मूल्य, अगर इसको परिभाषित करना हो, इट इज द टफेस्ट वर्क, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं, अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं अगर हम साधारण तौर पर मूल्य की बात करते हैं तो। अब आइए इसके बाद इस पर कुछ विद्वानों के विचार जानते हैं कि इस पर विद्वानों ने मूल्य के बारे में क्या कहा है, क्या आखिर मूल्य है क्या। तो इस पर अपना विचार रखते हुए निकेल और डार्सी कहते हैं कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। मानवीय जो व्यवहार है, हम जो
बिहेव करते हैं उसको एक प्रेरणा देने वाला कारक है मूल्य, कि ये हमारी वैल्यूज हैं, हम इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये आपको प्रेरणा देता है, ये आपको इंस्पायर करता है कि हाँ जो चीज सही है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनके साथ डटे रहेंगे। इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बट यू आर स्टैंड विथ योर वैल्यूज। ये आपके वैल्यूज होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। यही न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने का आधार प्रदान करता है कि आपके जो वैल्यूज हैं आप उसी के अनुसार न्याय करते हो, उसी के अनुसार आप विवेचन करते हो, आप सोचते हो, आप विश्लेषण करते हो किसी चीज का। आपके वैल्यूज वो डिसाइड करते हैं, आपके मूल्य। इसमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन की संभावना को संभव बना सकते हैं, कि आप बुद्धिमत्ता पूर्वक किसी चीज का चयन कर सकते हैं। ये कब हो सकता है आपके अंदर? जब आपके वैल्यूज स्ट्रांग होंगे। बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है कुछ लोग कुछ रुपयों में बिक जाते हैं, किसी को कुछ रुपए दे दिए, अपने वो गलत चीज़ का भी एडवर्टाइज कर देते हैं। इट्स सम एक्स मंथ केसेस में होता है यार, लेकिन अगर आपके वैल्यूज मजबूत है ना, नोबडी कैन प्राइस यू, कैन पे फॉर यू, कोई आपके लिए प्राइस पे नहीं कर सकता और कोई पैसा आपको आपके वैल्यूज से हटा नहीं सकता, अगर यू आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ योर वैल्यूज। आइए आगे देखते हैं इसके बाद मूल्य की विशेषताएँ क्या क्या हैं, मूल्य की क्या क्या विशेषता है, किन किन चीजों की वजह से मूल्य का होना इतना इंपॉर्टेंट है कि घर चलना, गृह प्रबंध करना मूल्यों के बिना संभव नहीं है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विशेषताएं है? इसमें पहली विशेषता जो इसकी आती है वो है कि मूल्य जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो वैल्यूज है ना, ये आपके व्यक्तिगत होते हैं। ओके, सेम चीज, सेम रिलीजन, सेम कास्ट, सेम सिचुएशन, सेम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट हर किसी के लिए जो ट्रिगर्ड पॉइंट होता है, जो वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। किसी के लिए वही चीज बहुत मूल्यवान होगी और किसी के लिए उस चीज का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो वैल्यूज जो होते हैं वो हर किसी के लिए अपने अपने अलग अलग होते हैं, इसलिए हर किसी के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है और महत्वपूर्ण होती है। दूसरी विशेषता की अगर इसकी बात की जाए, दूसरी विशेषता है कि मूल्य अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको आप कभी छोड़ नहीं सकते, कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन हो, यू कैन नॉट डिनाई दैट वैल्यू। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हो, या फिर उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा कम भी हो जा रहे हैं तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मूल्य की ये विशेषता है कि अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। थर्ड चीज़ की बात करें अगर, तीसरा, तो मूल्य जो होता है वो ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य तो आपकी इच्छा पर आधारित है, आप अगर फॉलो कर रहे हो दैट इज गुड, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई आपको जबरदस्ती उनको फॉलो नहीं करवा सकता। और ये आपको, जब आप अपने मूल्यों पर, अपने वैल्यूज पर डिपेंडेंट रहते हो, अपने वैल्यूज पर टिके रहते हो ना, इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है, ये आपको शांति देता है, ये आपको जो है संतुष्टि प्रदान करता है कि यू विल बी सेटिस्फाइड कि आप अपने वैल्यूज पर अटेंड हो, आप अपने वैल्यूज पर टिके हुए हो। फोर्थ नंबर पर देखते हैं तो फोर्थ नंबर इसकी विशेषता है कि मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है, कि आप इन वैल्यूज के साथ डिपेंडेंट हो, इन वैल्यूज के साथ आप इतने कनेक्टेड हो कि आप उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ये आपको, आपके व्यक्तित्व को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और आपके व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, जो आपके विकास के लिए, आपके निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर, इसकी विशेषता है कि मूल्य की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई चीज थोड़ी वैल्यू है, किसी के लिए थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, तो प्रत्येक के लिए इसकी जो तीव्रता है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगली विशेषता की बात करें, सिक्स नंबर विशेषता की, तो एक व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है आपकी वैल्यूज, कि अगर आप एक लेवल पर पहुंच चुके हो, आपको काम करना है, आप उसमें अपना सोसाइटी के प्रति आपका कुछ दायित्व है, अपनी फैमिली के प्रति आपका कुछ दायित्व है, आपके लोगों के प्रति आपका कुछ दायित्व है, आपके कंट्री के प्रति आपका कुछ दायित्व है, तो आपको काम करना होगा। तो ये आपको कार्य करने की प्रेरणा देती है अगर आपके वैल्यूज स्ट्रांग है तो। आगे बढ़ते हैं सिक्स सेवंथ नंबर, इसका जो विशेषता है वो है मूल्य व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होते हैं। ये आपके खुद की पर्सनालिटी के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि हाँ ये चीज है जो आप नहीं कर सकते हो और आप नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो मैं अभी एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला है आपका एट नंबर का, कि मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो मूल्य है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, जिस पर आप डिटरमाइंड है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप समाज को अच्छा देने के लिए भी अपने मूल्यों का यूज कर सकते हो और बुरा करने के लिए भी मूल्यों का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी अच्छा करने के लिए तो आप सभी समझ रहे हैं कि हाँ आपके कुछ मूल्य हैं, आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। बुरा करने के लिए क्या, जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कर रहे हैं गलत, बट उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है, उनके मूल्य इस तरह से बांधे जाते हैं कि वो काम भी वो करते हैं और खुशी खुशी करते हैं,
ये वैल्यूज का फर्क है, जिस तरह की आपकी वैल्यूज होगी, जिस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जिस तरह का आपका माइंडसेट रखा जाएगा आपके लिए, वो चाहे गलत से गलत हो वो आपके लिए बेस्ट होगा। जो आतंकवादी होते हैं उनको क्या ऐसा लगता है कि वो गलत काम करने जा रहे हैं? नहीं, उनको पता होता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट काम करने जा रहे हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? आपके वैल्यूज पर। तो वैल्यूज निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये वैल्यूज की विशेषता है मूल्य की। आगे 9th नंबर पर देखते हैं, तो मूल्यों को नापा और अध्ययन किया जा सकता है कि आपके क्या स्टैंडर्ड है, कितने आप वैल्यूज को देखते हैं, और उसका अध्ययन किया जा सकता है और उसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज भी किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो एग्जाम्पल। 10th नंबर है कि मूल्य जो है वो समान तथ्यों पर आधारित होते हैं और समय, स्थान, माहौल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। हर किसी का हर जगह पर टाइम, स्थान और परिस्थिति के अनुसार मूल्य चेंज हो जाते हैं। यार आज अगर आप इंडिया में हो तो आपके कुछ अलग मूल्य हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में होंगे आपके कुछ अलग मूल्य होंगे। किसी माहौल में अगर आप जो है किसी ऐसे माहौल में गए हैं जहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर मुस्कुराना अच्छी बात नहीं है ना। मुस्कुराना अच्छी चीज़ है, लेकिन आप वहाँ उस परिस्थिति में, उस माहौल में नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है आपके मूल्य, ये क्या होते हैं, माहौल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये थी दोस्तों मूल्य की विशेषताएं। आई होप मूल्य आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसको कहते हैं टारगेट, लक्ष्य। क्या होता है लक्ष्य, इसके बारे में आइए देखते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख, आराम, आनंद, संतोष और सफलता पाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। कि आपका टारगेट है कि आपको इस लेवल पर पहुंचना है, या आप अपनी फैमिली को ये सारी सपोर्ट देने वाले हो, या ये चीज़ें आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप करोगे जब, तो आपको एक तरह की डीप सेटिस्फैक्शन मिलनी स्टार्ट होती है कि आप इस लायक हो चुके हो कि आप अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, उनके ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो ये आपको सुख, आराम, संतोष और सफलता पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लक्ष्य भी कुछ टाइप्स के होते हैं, कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे आपके सामने यह दिख रहा है कि लक्ष्यों का वर्गीकरण किया गया है तीन टाइप में। एक पहला लक्ष्य है आपका अल्पकालीन लक्ष्य, दूसरा है आपका मध्य अल्प लक्ष्य, एंड थर्ड है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। ये तीनों क्या होते हैं अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्पकालीन लक्ष्य मीन्स ऐसे लक्ष्य, ऐसे टारगेट जो जस्ट कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में पूरे किया जा सकता है। कुछ मिनट्स और कुछ घंटों में जो टारगेट अचीव किया जा सकता है वो कहलाता है आपका अल्पकालीन लक्ष्य। फॉर एग्जांपल, आपको खाना बनाना है, आप बना सकते हो। आपको मार्केट से कोई सामान लेकर के आना है, वो भी एक टारगेट है, बट आप वो कर सकते हो। आपको बाजार जाना है, वो भी आपका एक टारगेट है, आप कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपके अल्पकालीन लक्ष्य हो गए। एंड दूसरा जो आपका मध्य अल्पकालीन लक्ष्य है, ये हो गया ऐसे काम जिनको करने में एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन लगते हैं, ये कहलाता है आपका अल्पकालीन लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर की पेंटिंग करवानी है, अब तुरंत तो हो नहीं जाएगा, एक घंटे में कुछ टाइम लगेगा, तो ये भी आपका क्या है, एक टारगेट है। या फिर आपको कहीं पर जाना है, एक जगह से दूसरे जगह पर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाना है, तो ये भी क्या, एक शॉर्ट टर्म आपका लक्ष्य है, जिसको हम मध्य अल्प लक्ष्य कह सकते हैं, जिसमें दो तीन चार पाँच दिन, हफ्ते तक लगते हैं, वो क्या कहलाता है, हफ्ते या मैक्सिमम महीना आप बोल सकते हो, एक महीना, तो वो क्या हो गया आपका मध्य अल्प लक्ष्य। और तीसरा है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य यानी कि जिसको करने के लिए आपके महीनों, सालों, और कभी कभी तो ऐसे दीर्घ लक्ष्य होते हैं हमारे जिसके पीछे हम पूरी लाइफ अपना लगा देते हैं, एक विजन होता है कि मुझे लाइफ में यही करना है, तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। जैसे कि आपको कोई बड़ी डिग्री लेना है, या आपको MBBS करना है, आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना है, या कुछ आपके विजन है जिसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ डिवोट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड दीर्घकालीन लक्ष्य। जिस लक्ष्य के पीछे आपका मैक्सिमम टाइम जाने वाला है, या साल, दो साल, पाँच साल, दस साल आप उस विजन के लिए काम करने वाले हो, उस लक्ष्य के लिए काम करने वाले हो, वो कहलाएगा आपका क्या, दीर्घकालीन लक्ष्य। तो ये थे लक्ष्य। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लक्ष्य के कि जो अलग अलग प्रकार हैं वो क्या हैं। अब लक्ष्य की क्या विशेषता है, इस पर बात करते हैं। हमने मूल्यों की विशेषता देखा है, अब हम लक्ष्यों की विशेषता देखेंगे कि लक्ष्य की क्या विशेषता है। इसमें पहला विशेषता है कि लक्ष्य सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कि टारगेट जो है ना, लक्ष्य, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आपको कुछ थोड़ी चीज़ें चाहिए, आप वहाँ पहुँचोगे उस लेवल पर, आपको और अलग चीज़ें चाहिए। होता है ना ऐसे हमारे साथ कि किसी चीज़ को, अगर अभी हमको पैदल चल रहे हैं, हमको साइकिल चाहिए, जब साइकिल मिल जाती है तो दिल करता है बाइक चाहिए, बाइक मिल जाता है तो कार होता तो अच्छा होता, कार मिल भी गया अगर आपको, मारुति सुजुकी मिल गई, अल्टो मिल गई, फिर विजन होता है यार स्कॉर्पियो ले लेते तो अच्छा होता, फिर उससे आगे जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर लगता है यार फॉर्चुनर ले लेते तो अच्छा होता, उस लेवल को अचीव कर लेते हैं फिर लगता है यार ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसी जो है हाईटेक गाड़ियां लेनी चाहिए, वो ले लेंगे, फिर आपको आगे लगेगा कि जैगवार लेना चाहिए यार,
जो आपको पोर्च लेना चाहिए। तो ये क्या है, लक्ष्य जो हमारे हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सतत और स्वाभाविक अपने आप आएगा। कुछ दिन बाद जो आपके विजन था जिसके लिए आप पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, आप उसको अचीव कर लेंगे। कुछ दिन आपको वो हैप्पीनेस देगा, फिर वो चीजें आपको कुछ और चाहिए होगी। तो ये क्या कह रहा है कि लक्ष्य की क्या विशेषता है कि ये सतत चलने वाली क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा इसका विशेषता है कि लक्ष्य समय पर आधारित होता है। कोई टारगेट है वो आपका कुछ टाइम पर डिपेंडेंट होता है कि ये टाइम के लिए मेरा ये टारगेट है। फिर क्या होता है, जब वो चीज़ अचीव हो जाता है फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट टारगेट बनाते हैं। तो ऐसा ही टारगेट क्या है, समय पर आधारित होता है। थर्ड है, लक्ष्य परिवर्तनशील होते रहते हैं, होता है या नहीं होता है। जो आपके टारगेट थे बचपन से, आप ये करना चाहते थे, कुछ टाइम बाद लगता है यार ये नहीं, कुछ और करते हैं, कुछ अलग करते हैं। फिर कुछ टाइम तक किसी अलग काम को करेंगे, फिर लगेगा नहीं ये नहीं, कुछ और करते हैं। तो ये क्या, लक्ष्य आपके बदलते रहते हैं। जैसे आप जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपके टारगेट उसी तरह से चेंज होते जाएंगे। कभी आपको लगता होगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लाइफ में एक फेज आएगा, नहीं यार उससे भी बेटर कुछ किया जा सकता है। लाइफ में लाखों लोग करोड़ों लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, लक्ष्य जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज, आपके एनवायरनमेंट पे। जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट होगा, आपके लक्ष्य उसी तरह के बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ नंबर है कि लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। जो आपके टारगेट होते हैं ना, वो आपके वैल्यूज से इंपैक्ट करते हैं, वो आपके वैल्यूज से इंस्पायर होते हैं। जैसी आपकी वैल्यूज मिली हुई है शुरुआत से ही, अगर आपको कुछ बेहतर करने की जो शुरुआत से आपको कुछ अच्छे लोगों की जीवनियां आपने सुनी है, उनके जैसा आपका आप बनना चाहोगे, जिस तरह के माहौल में आप रहोगे, जिस तरह के लोगों से सराउंडिंग में आप रहोगे, जिस तरह के वैल्यूज आपको दिए जाएंगे, आपका माइंडसेट, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य उसी तरह का बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लाइफ भर किसी छोटे जगह पर ही रह गए हो और आपने जरा भी एक्सपेंड नहीं किया है, तो आपके लक्ष्य मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जब आप बाहर निकलोगे, कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, कुछ और लोगों से मिलेंगे, कुछ अलग इन्वायरमेंट में जाएंगे, कुछ अलग वैल्यूज जब आपके अंदर आएंगी, तो आपके लक्ष्य, आपके टारगेट भी उसी अनुसार चेंज होते रहेंगे। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर के, लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। जो टारगेट है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से हो सकते हैं। कुछ टारगेट है जो आपका पर्सनल टारगेट है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। कुछ होता है जो सामूहिक होता है कि हाँ ये टारगेट होना चाहिए, ऐसा हमारा समाज होना चाहिए, ऐसा हमारा देश होना चाहिए, ऐसे हमारे देश के लोग होने चाहिए, ऐसा कल्चर होना चाहिए। तो क्या है, कुछ है आपके व्यक्तिगत कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, कुछ है कि आपके समाज के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका सिक्स नंबर कि लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं ना। जिस समाज में हम रहते हैं, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी उसी के अनुसार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो लक्ष्य समाज से प्रभावित होता है, ये इसकी विशेषता है। अब लक्ष्य के बाद जो तीसरी चीज हमारी क्या थी, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। अब स्टैंडर्ड, स्तर मींस स्टैंडर्ड, ये क्या है, स्तर की उत्पत्ति जो होती है वो मूल्य से होती है। कि आपके मूल्य किस तरह से हैं, उसी तरह के आपके स्टैंडर्ड बनने शुरू हो जाते हैं। मूल्य और लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं। स्तर भी मूल्य एवं लक्ष्य से संबंधित होते हैं, परंतु इनके बीच अंतर संबंधों की रेखा ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है। यद्यपि स्तर का निर्माण मूल्य और लक्ष्य क्या है, इन दोनों और साधन से मिलकर के ही स्तर का होता है। कि आपके मूल्य क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके टारगेट क्या है, और आपके पास उन टारगेट को अचीव करके आपने क्या चीजें इकट्ठी की है, क्या आपके पास साधन है, वो क्या है आपका स्टैंडर्ड है। कि आपके कुछ वैल्यूज हैं वो आपके स्टैंडर्ड में काम आएंगे, कि ये चीजें हैं ये आप करोगे या आप काम नहीं करोगे किसी भी कीमत पर, तो वो भी क्या है आपका स्टैंडर्ड है। आपके कुछ टारगेट हैं कि आप इस लेवल का सोचते हो, इस लेवल के आपके टारगेट हैं, ये चीजें आपने अचीव किया है और भी आगे आप क्या बनना चाहते हो, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक स्तर है, आपको दिखाता है। थर्ड नंबर पे आपका साधन, कि उन सब चीजों को करते हुए आपने क्या क्या चीजें फाइनेंशियली इकट्ठी की है, फिजिकली क्या क्या चीजें आपके पास है, ये भी क्या करता है आपके स्टैंडर्ड बनाता है समाज में। कि आप किस स्टैंडर्ड के बंदे, क्या आप अपर क्लास के बंदे या मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, किस क्लास के हैं आप, किस स्तर के हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं। तो ये आपके मूल्य, आपके लक्ष्य और आपके साधन जो आपके पास हैं, वही सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। अब इस स्तर पर अपनी परिभाषा देते हुए ग्रास और कैंडल क्या कहते हैं कि गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी पर अपना विचार रखते हुए निकेल और डार्सी कहते हैं, क्या कहते हैं ये, कि स्तर जो है वो मूल्य के मापक होते हैं। जिस तरह के आपके मूल्य होंगे, आपका स्टैंडर्ड उसी के अनुसार मापक होगा। क्योंकि जैसा आपके माइंडसेट में होगा कि किसी व्यक्ति को मापने का क्या तरीका है, ये आपके मूल्य डिसाइड करेंगे कि आप किसी को किस रूप में मापते हैं। कोई किसी के पास करोड़ों रुपए है, लेकिन अगर आप उसको उसके एथिक्स के हिसाब से मापने लगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से एथिक्स ही देखा है अपने कि ये मेरे वैल्यूज हैं, अगर आप अपनी वैल्यूज अपनी अच्छाइयों के उससे उसको मापने लगे, तो हो सकता है वो लोअर क्लास में चला जाए।
लेकिन अगर अगर आप फाइनेंशियल लेवल से उसको मापने लगे, आपका माइंडसेट है केवल पैसों से आप तौल रहे हैं, तो मे बी वो अपर क्लास में जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि स्तर जो होता है वो मूल्य के मापक होते हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा यह हमारी वस्तुओं से रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारण करता है, और इसमें हमें संतोष प्राप्त होता है कि हम इस स्टैंडर्ड के हैं, हम अपना स्टैंडर्ड और अपग्रेड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमें डीप विद इन एक संतोष प्राप्त होता है। आगे देखते हैं स्तर के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप के स्तर होते हैं। तो दो टाइप के स्तर होते हैं, समझ लीजिए। पहला होता है आपका व्यक्तिगत स्तर, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का चयन व्यक्ति द्वारा स्वयं के महत्व से किया जाता है। कौन सी चीजें आपको पसंद है या कौन सी चीजें आपके लिए होनी चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करो, चाहे वह अन्य व्यक्ति उसे स्वीकार करें या ना करें, चाहे समाज उसको स्वीकार करे या ना करे, बट आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे करेंगे। ये परंपरागत स्तर के बिल्कुल विपरीत होता है। और जो दूसरा स्तर होता है वो होता है परंपरागत स्तर, इसमें वस्तुओं का चयन जो होता है वो प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता है, कि अगर आपके पास वैसे है इट मीन्स आपके पास फोर व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, तो समाज वाले आपको समझेंगे ही नहीं। वो क्या परंपरागत स्तर है एक आपका। अन्य व्यक्तियों के पास क्या है और वो क्या कर रहे हैं, यह स्तर सामूहिक होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, उसी तरह से मुझे भी मेंटेन करना होगा अगर मैं समाज में रह रहा हूं। तो ये क्या है आपका परंपरागत स्तर हो गया, और आसानी से दूसरे व्यक्ति को दृष्टिगत हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये चीजें इसके पास है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, इसके पास पैसा है, इट मीन्स इसका स्टैंडर्ड हाई है। तो ये दो प्रकार से होते हैं स्टैंडर्ड को, अपने स्तर को बरकरार रखने का, एक व्यक्तिगत और दूसरा हो गया आपका परंपरागत। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर गृह प्रबंध। गृह प्रबंध के तीन निर्धारक तत्व हैं क्या, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य क्या है कि क्या उसकी विशेषता, उसके बारे में हमने बताया। लक्ष्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है। स्तर क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या प्रकार है, सब कुछ आज हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए चैनल पे तो एक बार विजिट जरूर कर लेना, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल चैनल फॉर पीए फॉर यू, तो विजिट जरूर करना, वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।